नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जी हां दोस्तों, परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। प्रॉफिट और लॉस ये बिजनेस का हिस्सा है। किस्मत और बदकिस्मत ये आदमी की जिंदगी का हिस्सा है। हर आदमी बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहता है, मगर ऐसा कोई आदमी मेरी नजर में आज तक नहीं मिला जिसने ये कह दिया हो कि सर मैं जो काम करता हूं, जो बिजनेस करता हूं, उसमें 100% हर बार प्रॉफिट होता है। नहीं हो सकता। जहां आप थोड़े से ढीले रह गए, जहां आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, वहीं लॉस मुंह बाए खड़ा रहता है और दबोच लेता है आपको। और जहां आप एक्टिव रहे, बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर परचेजिंग की और सोच समझकर सेल करते हैं, ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वहां प्रॉफिट आपको ऊपर से धड़ाधड़ पड़ता है। कई बार कहते हैं ना, उस आदमी का बिजनेस ऐसे चलता है जैसे ऊपर से नोटों की बरसात हो रही हो। बॉस, दोस्तों, बेटे लोगों, ये क्या है? कहां से आ रहे हैं वो नोट? उसके व्यवहार से। व्यवहार उसका ऐसा है गली गली में मशहूर हो गया, MDH मसाला वाला, नाम सुना होगा आपने, महाशय दी हट्टी उसका शॉर्ट नेम है। ये क्या करते थे? वो छोटा सा बिजनेस था उनका, तांगा चलाते थे। वो भी बिजनेस था, मैं उसको बिजनेस मानता हूं, अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस। और खुद का बिजनेस हमेशा आपको ऊंचाइयां देता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये बिजनेस किया और पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड फेमस हो गए। कितना बड़ा मानते हो आप मिर्ची मसाले का बिजनेस, मगर आज आपके किचन में संभाल लीजिए आप, MDH का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपकी किचन में जरूर होगा। कारण क्या है? क्वालिटी, क्वांटिटी, और कोई क्वेश्चन नहीं। जिसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्या दे दिया, कैसा दे दिया, क्यों दे दिया, खराब है, ये क्वेश्चन नहीं होते हैं वहां। हलवाई जब मंगवाता है ना कि MDH मसाला ले आइए, तो कोई क्वेश्चन नहीं होता उसके मन में, कोई शंका नहीं होती। अच्छी क्वालिटी है, विश्वास पात्र जगह से आ रहा है, सही रेटें लग रही हैं। हर बिजनेस में यही खासियत है। आज बात करते हैं हार्डवेयर का बिजनेस कैसे करें। जी हां दोस्तों, हार्डवेयर का बिजनेस करने के लिए आदमी को भी हार्ड बनना पड़ता है, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम। इसलिए मैं उन्हीं लोगों से कहूंगा, वहीं लोग बिजनेस करें जो हार्ड मेहनत कर सकते हो। हार्डवेयर का बिजनेस चार तरह से किया जा सकता है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बताता हूं। यदि आपके पास 2 से 5 लाख रुपए हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। आप 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, आपको कैलकुलेशन आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, या यूं कह सकते हैं घर की सब्जियां आप अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके खरीद सकते हैं, तो हार्डवेयर का बिजनेस कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको उस बिजनेस का अनुभव होना चाहिए, पढ़े लिखे की बात नहीं होती, यहां कोई डिग्रियां नहीं होती हैं। हाँ, डिग्री है आपके पास, MBA किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप और ज्यादा तरक्की करेंगे। ये बिजनेस आप किसी गली मोहल्ले में कर सकते हैं, जहां 100-200 घर हैं आपके आसपास, वहां आप ये हार्डवेयर का बिजनेस कर सकते हैं। जिसमें तसली से लेकर पराती तक, गैती से लेकर हथौड़े तक, फावड़े तक, गैती, हथौड़ा, करनी, गुरुमाला, पाइप, लेवल पाइप, यानी डेली जो छोटे छोटे कमठों के ऊपर जरूरतें होती हैं, उस छोटे छोटे सामान का, ऐसे आइटम्स होते हैं जो 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के हो सकते हैं, 500 रुपए तक के हो सकते हैं, 1000 रुपए से ज्यादा बड़ा उनके पास कोई आइटम नहीं होता। ऐसे आइटम्स आप खरीद करके गली मोहल्ले में एक दुकान कर लेंगे
तो मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता आपको, मगर मेरा तजुर्बा कहता है कि आप जो 10-12 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, 15 हजार रुपए की नौकरी, उससे आप 2 गुना पैसा जरूर कमा लेंगे शुरुआत में बैठते ही, और धीरे धीरे जब आपका बिजनेस चल जाएगा तो और ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं दोस्तों, दूसरे तरीके से। ये तो पहला तरीका हुआ, अब बात कर लेते हैं इसी पहले तरीके में प्रॉफिट कितना होता है। प्रॉफिट आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मोहल्ले में कौन से आइटम्स चलते हैं, कौन कौन सी कंपनियों के चलते हैं। ब्रांडेड कंपनियों के यदि चलते हैं तो उसमें आप जानते हैं प्रॉफिट कम होता है, 8 से 10%, 7-8% तक ही होता है, 10-12% भी हो सकता है। मगर यदि ब्रांडेड कंपनियों का नहीं चलता हो और साधारण चलता हो तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब बात आ गई इन्वेस्टमेंट की, वो मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में। अब बात करते हैं दूसरी तरह का बिजनेस, ये कैसे किया जा सकता है। इसी बिजनेस को आप शहर के बीच में जहां हार्डवेयर की बहुत अच्छी दुकानें हैं वहां आप अपनी खुद की दुकान हो तो बहुत बढ़िया है, मगर यदि खुद के नहीं हो तो किराए की दुकान लेकर के ये बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो 20-30 लाख रुपए लगा करके शुरुआत में ये बिजनेस किया जा सकता है। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, कैलकुलेशन वगैरह अच्छा आता है आपको, नई नई कंपनियों से जुड़ने का आपको आता है तो उनकी डीलरशिप ले सकते हैं आप, और अच्छा बिजनेस चल सकता है। इसमें एक नहीं हजारों आइटम्स होते हैं, हार्डवेयर के अंदर इतने आइटम हैं कि जब आप दुकान में जाएंगे या उनके व्यवसायिक स्थल पर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इनको इतनी चीजों का याद कैसे रहता है, और 90% लोग तो लिखा हुआ रखते हैं अपना कोड वर्ड होता है उनका। और इनमें एक खासियत और होती है दोस्तों, इनकी वो ड्यू डेट नहीं होती, एक्सपायरी नहीं होती कभी भी ये। इन जैसे मान लीजिए आपको एक हथौड़ी लेनी है, अब हथौड़ी कब की बनी हुई कोई पता नहीं है, दादा दादा खरीद के रख गया, बेटे ने उसको जंग नहीं लगने दिया, रस्ट नहीं लगने दिया, और वो अब बेटा पोता भी बेच रहा है उसी हथौड़ी को। और खासियत ये है, मेरा अनुभव कहता है जब मैं सर्विस करता था, ये बातें मैं बता रहा हूं 1975 के आसपास की, उस समय दोस्तों 1 रुपया 80 पैसा पर केजी सरिये का दाम था, 8 mm 12 mm के सरिये की बात कर रहा हूं मैं, और आज उसी सरिये के दाम क्या हैं आप अंदाज लगा सकते हैं। यानी दिन दिनों दिन ये मटेरियल आपके पास पड़ा भी रह जाता है तो वो आपका इंटरेस्ट कहीं नहीं जाने देता, यही खासियत है इस बिजनेस की, और इसीलिए लोग धन्ना सेठ हो गए इस बिजनेस में। और बड़े बड़े शहरों में इतने टाइप के बिजनेस हैं इस हार्डवेयर बिजनेस में, जैसे नालीदार चादरें हैं, हर घर में कहीं न कहीं चाहे गाड़ी के गैरेज के लिए लगी हो होती हैं, केवल आप नालीदार चादरों का बिजनेस करके बैठ जाएंगे होलसेल में तो कमा सकते हैं, केवल आप ऑयल पेंट का बिजनेस करके बैठ जाएंगे तो भी चलेगा, आपका डिस्टेम्पर का बिजनेस करके बैठ जाएंगे तो भी चलेगा। यानी हजारों टाइप के आइटम होते हैं और 500 टाइप की आप दुकानें खोल करके बैठ सकते हैं। तजुर्बा जरूर चाहिए आपको, अनुभव जरूर चाहिए, और कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और ग्राहक को आकर्षित करना आना चाहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।